Hello everyone, in the series of Patents Act 1970, now we are going to discuss the section 67 to 72, that is Register of Patents. जब कभी भी हम पेटेंट ग्रांट करते हैं, मतलब कोई भी कंट्रोलर जब पेटेंट ग्रांट करता है तो उसकी एक एंट्री करता है, और वो एंट्री का रजिस्टर होता है वो हर एक पेटेंट ऑफिस में होता है. तो जिस जिस जगह भी पेटेंट ऑफिस होगा वहाँ पे एक पेटेंट ऑफिस होगा. तो सेक्शन 67 बात करता है कि जहाँ पे भी कोई पेटेंट ऑफिस होगा वहाँ पे एक पेटेंट रजिस्टर का होना जरूरी है. उस पेटेंट ऑफिस में वो सारे नाम आएंगे जिन जिन पर्सन को पेटेंट ग्रांट हो चुका है. उसके बाद इसमें बता रखा है कि उन पर्सन को भी नाम आएंगे कि जिनका पेटेंट रिवोक हो चुका है, या फिर जिनको लाइसेंस दिया गया है, या फिर कोई अमेंडमेंट किया है उन्होंने अपने पेमेंट में, या फिर उनका कोई असाइनमेंट है, या फिर कोई ट्रांसमिशन है, या फिर कोई एक्सटेंशन हुआ है उनकी टाइम लिमिट में. वो सारा चीज़ वो सारी चीज़ पेटेंट के रिगार्डिंग जो भी वो रजिस्टर में आएगी. फिर यह है कि कोई ऐसी अदर पर्टिकुलरशिप जो प्रोप्राइटरशिप या फिर जो ओनरशिप है पेटेंट की उसमें चेंज हो रहा है तो वो भी आएगा. उसके बाद इसमें बता रखा है कि ट्रस्ट से अगर कोई नोटिस इशू होता है पेटेंट ऑफिस में तो वो कोई भी जो नोटिस है उसका कोई यहाँ पे पेटेंट ऑफिस में रजिस्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना वो अफेक्ट करेगा कंट्रोलर के वर्क को. फिर इसमें बात करी है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो अपनी डायरेक्शन दे सकती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन से जो मैनेजमेंट और कंट्रोल रहेगा पेटेंट रजिस्टर का वो कंट्रोलर के ऊपर रहेगा. कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ पेटेंट रजिस्टर मैनेज बाय द कंट्रोलर. उसके बाद इसमें है कि कंप्यूटर जो रजिस्टर है उसकी जो कुछ एंट्रीज है वो हो सकती है कि आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रख सकते हैं. आप फ्लॉपीज, सीडी, कंप्यूटर फ्लॉपीज, कोई भी अदर इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जेक्ट है उसमें रख सकते हैं. और जो इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर इसमें बात करिए कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो यूज़ होनी है कोर्ट में होनी है तो वो फ्लॉपी या कंप्यूटर फॉर्म में भी है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी है तो यूज़ की जा सकती है. उसके बाद इसमें बात करी है आगे कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में कोई भी फॉर्म है या तो वो आधी है या फिर पूरी है, तो उसके लिए अगर कोई भी हम देख सकते हैं जो चीज़ है वो या तो एंट्री जो हो रही है वो रजिस्टर में वो कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, या फिर कोई पर्टिकुलर बीइंग रजिस्टर्ड और एंटर्ड इन द रजिस्टर्ड, कोई भी ऐसी चीज़ जो रजिस्टर्ड में इलेक्ट्रॉनिक ऐड है, या फिर कोई चेंज हुआ है रेटिफिकेशन इन द रजिस्टर्ड जो ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो वो माना जाएगा कि सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है पूरा जो रजिस्टर्ड है. उसके सेक्शन 68 बात करता है जो कि 2005 में ऐड हुआ अमेंडमेंट से, असाइनमेंट एक्सेट्रा नॉट टू बी वैलिड अनलेस इन राइटिंग एंड ड्यूली एग्जीक्यूटेड. तो सेक्शन 68 में बात करिए कि अगर कोई एग्रीमेंट बनता है पेटेंटी और कोई पर्सन के बीच में जिसके वो असाइन कर रहा है, और वो जो असाइनमेंट जो एग्रीमेंट बन रहा है वो हमेशा रिटर्न होगा, और ड्यूली एग्जीक्यूटेड मतलब है कि वो साइन होना चाहिए उस पर्सन का. असाइनमेंट ऑफ पेटेंट और शेयर ऑफ पेटेंट, मॉर्गेज, लाइसेंस और क्रिएशन ऑफ एनी अदर इंटरेस्ट ऑफ द पेटेंट. अगर पेटेंट के भी लिए आपको ये असाइनमेंट क्रिएट करने हैं तो आप कोई लाइसेंस, मॉर्गेज या कोई अदर बेनिफिट इंटरेस्ट या फिर कोई शेयर दे रहे हैं पेटेंट में, तो उसके लिए आपको एक एग्रीमेंट करना है, और एग्रीमेंट रिटर्न होगा और उसमें साइन होने चाहिए दोनों पार्टीज की, ड्यूली एग्जीक्यूटेड. सेक्शन 69 बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ असाइनमेंट, ट्रांसमिशन एक्सेट्रा. जो जो आप रजिस्टर करवा रहे हैं असाइनमेंट और ये सब हैं उनका कैसे डील होगा. तो वेयर अ पर्सन बिकम एंटाइटल ऑफ बाय असाइनमेंट, ट्रांसमिशन, ऑपरेशन बाय लॉ और अ पेटेंट. अब जब कोई पर्सन एंटाइटल होता है इन सारी चीज़ों के लिए, तो जो मॉर्गेजी है और जो लाइसेंसी है वो भी एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं इसके टाइटल के लिए, पेटेंट के टाइटल के लिए. फिर आगे बात करें कि मॉर्गेजर और लाइसेंसर जो पर्सन है वो भी इस पर जो पेटेंट के लिए असाइनमेंट है उसके टाइटल के लिए एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं. फिर इसमें आगे बता रखा है कि जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हो तो कंट्रोलर को आप एप्लीकेशन फाइल करोगे, और कंट्रोलर वेर दैट पर्सन इज एंटाइटल टू पेटेंट और शेयर पेटेंट रजिस्टर एंड रजिस्टर्ड एज अ प्रोप्राइटर और कोप्राइटर. तो जो प्रोप्राइटर और कोप्राइटर है वो दोनों में से कोई भी एक कंट्रोलर को फाइल कर सकता है, या फिर अदर पर्सन जिनका नाम है और जिसका नोटिस जा चुका है उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से रिलेशन में, वो पर्सन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं उस टाइटल के लिए. और अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो कंट्रोलर उस डिस्प्यूट में जब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक कोई कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन का कोर्ट है वहाँ पे अपना राइट्स एंड ड्यूटीज जो पार्टीज की वो बता नहीं दे. फिर इसमें आगे बता रखा है कि कंट्रोलर को जो है सारी चीज़ प्रिस्क्राइब मैनर में चाहिए होगी, और जो भी आप एप्लीकेशन फाइल करोगे प्रिस्क्राइब मैनर में करोगे, और जो भी जितनी भी कॉपीज हैं लाइसेंस है वो सारे डॉक्यूमेंट है वो सारे ऑथेंटिक होने चाहिए, मतलब सही होने चाहिए. उसके बाद इसमें बता रखा है कि जो आपने लाइसेंस जो भी ग्रांट होता है पेटेंट में वो सिक्योर करना चाहिए टर्म्स. ये चीज़ जरूरी नहीं है कि जो लाइसेंस है अगर वो ग्रांट हुआ है तो उसकी टर्म्स डिस्क्लोज करना है पब्लिक को, ये सिर्फ कंट्रोलर को पता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जनरल पब्लिक को पता लगाने के लिए लाइसेंस की टर्म की कोई ज़रूरत नहीं है. फिर इस पर आगे बात करिए एक्सेप्ट फॉर द पर्पज ऑफ दिस कि कोई भी एंट्री जो है रजिस्टर में मेंटेन हुई है अगर वो एडमिट नहीं है, रजिस्टर में नहीं मानी गई है, रजिस्टर में ऐड नहीं हुई है, तो वो एडमिशन नहीं होगी एज एविडेंस.
फिर सेक्शन 70 बात करता है पावर ऑफ रजिस्टर्ड ग्रांटी और प्रोप्राइटर टू डील विद पेटेंट। तो रजिस्टर्ड ग्रांटी है और प्रोप्राइटी है, तो उनकी पेटेंट के साथ क्या पावर है, तो वो सारी पावर है जो एक जनरल पेटेंट होल्डर को होती है, जो पेटेंटी को होती है, वो किसी को भी ग्रांट कर सकते हैं अदर लाइसेंस और जो ग्रांट करना चाहें, और उसके लिए उनको एक रिसिप्ट देनी पड़ेगी और फिर कुछ कंसिडरेशन भी होना चाहिए उसके बिहाफ पे जब आप किसी को लाइसेंस ग्रांट कर रहे हैं या मॉर्गेज कर रहे हैं। उसके बाद इसमें आता है सेक्शन 71 रेटिफिकेशन ऑफ एंट्रीज बाय एपिलेट बोर्ड। अगर कोई गलती से आपने कोई एंट्री कर दी है तो उसके लिए एपिलेट बोर्ड का अगर कोई डायरेक्शन आती है तो आप उसको उसकी फॉलो करनी पड़ेगी। तो उसमें बता रखा है कोई एब्जेंस या कोई ओमिशन हो जाए रजिस्टर में उसके लिए एपिलेट बोर्ड कुछ कर सकता है, या फिर कोई एंट्री विथआउट सफिशियंट कॉज एंट्री कर ली गई है आपने, या फिर कोई एंट्री रॉन्गली हो चुकी है रजिस्टर में, या फिर कोई एरर है या डिफेक्ट है उस रजिस्टर में एंट्री करते टाइम, और ऐसा कोई वेरिएशन या डिलीटेशन का ऐसा ऑर्डर अपीलेट बोर्ड दे सकती है। फिर इसमें बात करिए आगे कि जो भी अपीलेट बोर्ड काम करेगा, जो भी एंट्री के लिए बोलेगा, तो वो एक नोटिस दे सकता है अपने कंट्रोलर को कि कंट्रोलर कोर्ट में आके सुन ले कि क्या किस बात के लिए आपको किस बात के लिए एंट्री को ख़त्म करना है, किसको रखना है। और अगर ऐसा कंट्रोलर भी नहीं भी कर रहा है तो जो गवर्नमेंट है, जो कोर्ट है कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन का, वो एक नोटिस इन प्रिस्क्राइब फॉर्म कंट्रोलर को भेजेगा, उसमें लिख के देगा कि ये जो एंट्री है इसको हटानी है इसको नहीं हटानी, और कंट्रोलर उसके अकॉर्डिंगली वर्क करेगा। फिर उसके बाद इसमें बात करी है कि रजिस्टर टू बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन। तो जो भी रजिस्टर बना है पेटेंट का जिसमें सारी एंट्रीज हुई पड़ी हैं जिनको भी ग्रांट हुआ है पेटेंट का, वो ओपन होगा पब्लिक के लिए एक फीस पेमेंट करने के बाद। वो जो भी जनरल पब्लिक के लोग, जो भी जनरल पब्लिक हैं वो उसको देख सकते हैं, मतलब जनरल जो भी लोग हैं अगर कोई रजिस्टर देखना चाहे पेटेंट ऑफिस का, पेटेंट रजिस्टर पेटेंट ऑफिस में जाके, तो वो एक जनरल फीस पे करके उस रजिस्टर को देख सकते हैं। और उसमें अगर कोई प्रिस्क्राइब फीस और वो अगर कोई चीज़ ऐसी जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो वो उसका एक प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, फिर कंप्यूटर फॉर्म में अगर वो लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। और ये एक तरह से एविडेंस माना जाएगा इंडियन एविडेंस एक्ट में। This is all about the section 67 to 72. Thank you very much.